हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बुकैफ समाधान का छठवें एपिसोड में मैं रमेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डेली हम पांच वर्ड देखते हैं, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स 25 प्लस वर्ड रहते हैं ताकि आपको तैयार हो जाए। ये एक सबसे अच्छा तरीका है बुकैफ याद करने का, एक शब्द से शब्दों का लिंक बन जाता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक साथ याद हो जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं समय को नष्ट करते हुए। पहला शब्द है आज का एलैक्रिटी। एलैक्रिटी माने क्या होता है? तत्परता या जोश। तो आप इसको ट्रिक क्या रहेगी याद करने की, अलैक्रिटी अलैक्रिटी तो साउंड्स लाइक क्रिटी साउंड्स लाइक सिटी, और आला आला को आप कनेक्ट कर सकते हैं, आला डॉक्टर जो आला लगाते हैं, तो स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं अलैक्रिटी। आला लगाकर सिटी में डॉक्टर मरीज को देखने में अलैक्रिटी दिखाया। अलैक्रिटी माने तत्परता या जोश दिखाया। आला लगाकर सिटी में डॉक्टर ने मरीज को देखने में क्या दिखाया? अलैक्रिटी दिखाया। मान लीजिए कोई डॉक्टर आला लिया है सिटी में, जो है कोई मरीज को देख रहा है, बहुत तत्परता से जोश है इस पास देखने के लिए, आला लगाकर सिटी में डॉक्टर ने मरीज को बचाने के लिए बहुत अलैक्रिटी दिखाया, तत्परता दिखाया, जोश दिखाया मरीज को देखने में। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? अलर्टनेस। अलर्टनेस माने जानते हैं, अलर्टनेस ज़्यादा अलर्ट है, सावधानी ज़्यादा बरत रहा है, तो तत्परता है, जोश है। रेडीनेस माने भी तत्परता होता है। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? अलैक्रिटी का एकदम बिल्कुल अपोजिट है इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी माने कोई एक्टिव माने सक्रिय, कोई सक्रियता ना दिखाना, यानी कि तत्परता ही नहीं दिखाना, अतत्परता। इस तरह से अगला हम देख लेते हैं शब्द है अलिनेट। अलिनेट अलिनेट कैसे याद होगा? इंटरेस्टिंग तरीका क्या होगा? अलिनेट अली जो है नेट की परीक्षा ना दे करके क्या किया? घर वालों को विरोधी बना दिया। मान लीजिए कोई आदमी अली है, तो अली जो है को कहा गया था, पढ़ रहा था कि परीक्षा दीजिए, नेट की तैयारी करिए अच्छे से, तो अली नेट की परीक्षा देने ही नहीं गए। तो घर वाले ने उसको क्या किया कि तुम नहीं परीक्षा दोगे, चलो तुमको जो है कुछ खर्चा वर्चा नहीं मिलेगा, इतना पढ़ाई के लिए खर्चा दिया जा रहा। तो विरोधी घर वालों को अपना क्या बना दिया? वो विरोधी बना दिया, नहीं दिया नेट की परीक्षा, तो घर वालों ने उसे क्या कर दिया? दूर कर दिया कि जाओ घर से बाहर चले जाओ, पढ़ो लिखो ठीक है अच्छे से, तभी मैं खुश रहूँगा, नहीं तो कुछ नहीं तुम्हारी चलेगी। तो इस तरह से अली ने नेट की परीक्षा नहीं दी, तो अलिनेट इस तरह इसलिए वो अलिनेट हो गया, घर वालों से विरोधी बन गया, अपने आप को विरोधी बना लिया, और घर वालों ने उसे क्या किया? अलिनेट कर दिया, मतलब दूर कर दिया। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हो। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर माने क्या होगा? स्थानांतरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना भाई। स्ट्रेंज स्ट्रेंज देखिए एक STRANGE स्ट्रेंज माने विचित्र होता है, लेकिन ये ई जुड़ा रहेगा उसके पहले, तो इस माने होता है स्ट्रेंज माने दूर कर देना, किसी को दूर कर देना, ये विरोधी बता देना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रिकॉन्सिल। रिकॉन्सिल माने होता है तालमेल बना लेना या सहमति बना देना, जैसे किसी को विरोधी बना रहे हो आप, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो आप उसकी मदद नहीं करोगे तो विरोधी बनाओगे, झगड़ा लड़ाओगे, तो अगर सहमति कर दोगे तो रिकॉन्सिल ठीक है। इस तरह से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। अली ने नेट की परीक्षा नहीं दी, तो उसको घर वाले ने दूर कर दिया, विरोधी बना दिया अपने को। दूसरी भी ट्रिक आप अपने मन से बना सकते हो, अली ने मान लीजिए अली ने ऐसा भी कर सकते हो, अली ने दो लोग झगड़ा कर रहे थे, तो दोनों लोगों में झगड़ा को सुलझना करा के उनको उनका झगड़ा और तगड़ा करवा दिए, तो मतलब क्या विरोधी बना दिए उन दोनों को एक दूसरे का, और उन एक दूसरे से वो लोग दूर हो गए। तो इस तरह से भी आप इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हैं। और ट्रांसफर स्ट्रेंज इसके सिनोनिम्स है, और रिकॉन्सिल इसका एंटोनिम्स है। अगला शब्द देखते हैं आले। आले माने कम करना या शांत करना। इसकी याद करने की ट्रिक क्या होगी? आप आराम से याद कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए, इंटरेस्टिंग तरीका क्या, माँ मान लीजिए बच्चा है, बच्चा रो रहा है, तो माँ कह रहे हैं अले 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 बेटा शांत हो जा शांत हो जा, तो मतलब क्या शांत कर रहे हैं बच्चे को, रोने को कम कर रही है उसका। इस तरह से आराम से याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? काम। काम माने शांति, अलिविएट माने भी होता है शांत करना कम करना, अलिविएट माने कम करना और हल्का करना भी होता है, हल्का करना कम करने की है, जैसे उसको ज़्यादा रो रहा है तो कम कर दो शांत करा दो, तो काम माने शांत करना, अलिविएट माने कम करना या शांत करना, इसका मतलब होता है। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा एक्साइट। क्लियर? एक्साइट माने उत्तेजित करना, कोई रो रहा है तो आप और उसको रुलाओ, मतलब शांत ना करो। क्लियर? तो इस तरह से एक्साइट जो है माने उत्तेजित करना, इसका एल ए का क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा एल्योर। क्लियर? एल्योर माने क्या होता है? मुग्ध करना या मोहित करना। याद कैसे होगा? एल्योर एल्योर लोरी आप जानते होंगे, लोरी माँ बच्चे को सोने के लिए लोरी गाती है, तो लोरी गाकर बच्चे को क्या किया गया? एल्योर किया गया, मुग्ध किया गया, मोहित किया गया, बच्चा आराम से गाना सुने, इतना मोहित हो जाए गाने में ठीक है। माँ बच्चे एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए कि गाना सुना रहे हैं मम्मी, मम्मी भी बच्चे को सुना रहे हैं, तो मुग्ध हो गया बच्चा।
तो एल्योर यानी लोरी गाकर माँ ने बच्चे को एल्योर कर दिया, मुग्ध कर दिया, क्लियर। और बच्चा माँ के प्रति क्या हो गया, एल्योर हो गया, मोहित हो गया। तो चलिए इस तरह से इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अट्रैक्ट माने आकर्षित करना, किसी को आकर्षित कर दो, ठीक है, लोरी का गाना सुनने के लिए आकर्षित हो गया तो अट्रैक्ट हो गया, क्लियर, मुग्ध हो गया, मोहित हो गया। इंटेंस माने भी होता है मुग्ध कर देना, मोहित कर देना, किस चीज़ का प्रलोभन देना। कैजुअल माने क्या होता है, मुग्ध करना, वैसे तो कैजुअल माने पटाना भी होता है, तो किसी को पटा रहे हो मतलब मोहित कर रहे हो उसको, क्लियर, न्यूज़पेपर में अक्सर आता है कैजुअल। तो अटेम्प्ट माने भी होता है मुग्ध करना या मोहित करना, आकर्षित करना भी होता है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लो यानी मोहित कर लो। इन स्नेयर, इन स्नेयर का एग्जैक्ट अर्थ होता है जाल में फंसाना, जैसे स्पेशली ये प्रेम के जाल में फंसाना, किसी को कोई हीरो हीरोइन आप फिल्म देखते हैं प्रेम के जाल में फंसाना, फंसा लेते हैं एक दूसरे को, मतलब क्या मोहित कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, रिपेल, रिपेल माने क्या होता है, मोहित ना करना, क्लियर, मोहित ना कर पाना। स्केयर माने क्या होता है, छोड़ देना, किसी को मोहित ना करना यानी उसको मोहित करने से छोड़ देना। तो स्केयर में डराना भी होता है, डराना मतलब अगर आप किसी को डरा रहे हो तो कहने का मतलब उसको अपनी तरफ मोहित थोड़ी कर रहे हो। फ्राइटन माने भयभीत करना, तो भयभीत करना मतलब क्या, मोहित ना करना, डरा रहे हो तो कहाँ मोहित कर रहे हो, अपोजिट हो गया एलियर का। अल्टरकेशन माने होता है झगड़ा, झगड़ा का मतलब ये वैचारिक मनमुटाव से रिलेटेड झगड़ा होता है, किसी बात को लेकर झगड़ा होता है उसको अल्टर कहते हैं, अल्टरकेशन कहते हैं, क्लियर, ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड नहीं है, क्लियर। तो इससे वैचारिक मतभेद इस तरह का झगड़ा होता है तो उसको अल्टरकेशन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, रैंगल, रैंगल माने क्या होता है, वैसे तो रैंगल मीन्स ऐंठना होता है, जैसे कहते हैं कि तुम हमको देखकर ऐंठते रहते हो मतलब झगड़ा करने के लिए उतार होते हो, इस तरह से रैंगल मीन्स झगड़ा होता है। डिस्प्यूट, ठीक है, तो डिस्प्यूट माने भी विवाद होता है, विवाद या झगड़ा, तो रैंगल मीन्स झगड़ा के लिए ऐंठना कसमसाना ये सब होते हैं, तो डिस्प्यूट माने विवाद, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। तो क्वारल तो आप कॉमन वर्ड है, QUARREL सामान्य वर्ड है, आप जानते होंगे। तो अब एंटोनिम्स इसका क्या होगा, अल्टरकेशन का एंटोनिम्स जो है होगा एग्रीमेंट, क्लियर। एग्रीमेंट माने क्या होगा, सहमति, अगर झगड़ा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, सहमति हो रहा है, क्लियर। तो इस तरह से ये सहमति आपका एंटोनिम्स इसका हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो आई होप आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, ऐसे ही दो तीन चार पार्ट और बनेंगे इसके, इसके बाद 20 सीरीज आएगी, क्योंकि ए से बहुत ज़्यादा वर्ड थे, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसलिए हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, और पांच पांच वर्ड ही आपको बता रहे हैं ताकि आराम से तैयार हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।